लॉकडाउन किचन में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जैन आज बना रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गर्मियों का, जो गर्मियों में सबको बहुत पसंद आता है, वाटरमेलन जूस, जो आम काम और गुठलियों का दाम का काम करेगा। जो हमारा पल्प है वो भी यूज करेंगे, और जो उसका व्हाइट पार्ट है यानी कि छिकल, हम उसकी भी एक चीज इंटरेस्टिंग सी बनाएंगे। तो हुई ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात, तो इसीलिए मैंने आपको बताया हम जो जिस चीज को हम फेंक देते हैं उसे हम एक बनाएंगे नई चीज। तो आज हम बना रहे हैं लेकिन वाटरमेलन का जूस, और अगली बार मैं आपको उससे उसी छिकल से और उसके व्हाइट पार्ट से एक नई चीज बनाऊंगी, लेकिन आज हम बनाएंगे वाटरमेलन जूस। चलिए उसकी एक रेसिपी देखते हैं। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए मैंने वाटरमेलन कट कर लिया है, और वाटरमेलन को मैंने लगभग आधी किलो कट करा है, और इसको हम जार में डाल रहे हैं। ये मैंने तरबूज के बीज निकाले नहीं है, अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो हम इसे बाद में स्ट्रेन करेंगे तो उसमें से निकल जाएगा। ये आधा चम्मच मैंने 1/4 सफेद नमक, 1/4 काला नमक, और इसमें मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, नींबू का जूस, ये आधा मैंने नींबू इसमें निचोड़ रही हूँ। ये मैंने इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते और पुदीना डाला है, और अब हम इसे पीस रहे हैं। ये देखिए हमने ये जूस बना लिया है, और मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं करी है क्योंकि हमारा जो वाटरमेलन था वो बहुत अच्छा मीठा निकला है मेरा। तो अगर आपको इसका आपका मीठा कई बार कम निकल जाता है तो आप उसको वो कर सकते हैं। और ये देखिए आप इसके बीज वगैरह हमारे सब एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, देखिए इसमें एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नहीं निकला है, थोड़ा सा ये बीज और हमारे जो पुदीने के पत्ते थे, आप देख सकते हैं इसका कितना सुंदर कलर आया है, ये देखिए एकदम नेचुरल कलर। ये देखिए ये हमारा वाटरमेलन का जो जूस है ये बहुत अच्छा बन गया है, और आप भी इसे बनाइए, गर्मियों में बहुत फायदा करता है। वाटरमेलन तो वैसे ही गर्मियों में हमारी पानी की जो कमी होती है उसको पूरा करता है, और ये जूस आराम से हम लगभग आधी किलो में हमारे 2 ग्लास बन गए हैं, तो जूस वैसे ही बहुत अच्छा पिया जाएगा। आप इसे बनाइए, इसके अंदर पुदीना भी है और हमने तुलसी के पत्ते भी डाले हैं, काला नमक भी है, नींबू भी है, तो बहुत फायदा भी करता है। और आप इसे बनाइए और इंजॉय करिए, और अगर आपको इसे पसंद आया, आपको मेरा वाटरमेलन का जो ये जूस है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम अगली बार जो बनाएंगे वो और एक और इंटरेस्टिंग सी हमारी चीज है, बहुत अच्छी खट्टी मीठी सी, बच्चों को बहुत पसंद आती है, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।